इस हफ्ते सेल्फी की बिक्री शुरू होगी। ये 2023 में अक्षय कुमार की पहली फिल्म होगी और इसके ट्रेलर और साउंड ट्रैक की सफलता के लिए इसकी प्रत्याशा अधिक है। इमरान हाशमी के साथ अक्षय कुमार के पहले सहयोग के परिणाम स्वरूप उत्साह भी बढ़ गया है। सेल्फी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने करीब 2 हफ्ते पहले मंजूरी दी थी। अब ये बात सामने आई है। CBFC के परीक्षा पैनल ने फिल्म को सर्टिफिकेट दिया। दिलचस्प बात यह है कि सेंसर बोर्ड ने एक भी ऑडियो या विजुअल कट नहीं लगाया। 8 फरवरी को क्रिएटर्स को सर्टिफिकेट दिया गया। सेंसर सर्टिफिकेट के मुताबिक फिल्म 143 मिनट लंबी है। दूसरे तरीके से कहें तो सेल्फी 2 घंटे 23 मिनट तक चलती है। सेल्फी दिलचस्प रूप से अक्षय कुमार की महामारी के बाद की 7वीं फिल्म है और कोविड के बाद 0 कट प्राप्त करने वाली उनकी 2री फिल्म है। फिल्मों की सामग्री को लेकर CBFC कितना सख्त और निर्दयी हो गया है, ये काफी उपलब्धि है।